नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी मेमोरी. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मेन मेमोरी, अब सेकेंड हम देख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी. डिवाइसेस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो डिवाइसेस जो बैकअप स्टोरेज के लिए यूज होते हैं यानी परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं, तो उसके लिए ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरीज का यूज होता है. जैसे मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स आर कॉमनली यूज्ड ऑक्सिलरी डिवाइसेस. और अदर डिवाइसेस में जैसे ऑप्टिकल डिस्क आता है, सीडी, डीवीडीज, तो ये सब भी जो है वो ऑक्सिलरी डिवाइसेस हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है. सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू एंड इज एक्सेस्ड यूजिंग द इनपुट आउटपुट चैनल्स. तो सीपीयू जो है इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है. सेकेंडरी मेमोरी हमेशा इनपुट आउटपुट चैनल्स यूज करके एक्सेस होती हैं. और कौन एक्सेस करता है? मेन मेमोरी, क्योंकि सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी से इंटरेक्शन करता है और मेन मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल्स. इट इज स्लो, चीप एंड लार्ज इन कैपेसिटी एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी. तो ये स्लो होती है, एक्सेस टाइम ज्यादा लगता है इसमें, चीप होती है और लार्ज इन कैपेसिटी होती है. इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज इट रिटेन्स डेटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ. ये नॉन वोलेटाइल रहती है, मतलब ये इसमें डेटा तब भी रहता है जब पावर जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है. तो पावर चला भी जाए तो भी उसके अंदर जो डेटा है वो रिटेन रहता है, स्टोर रहता है. ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं. अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक फिक्स्ड डिवाइसेस होते हैं, एक रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं. तो फिक्स्ड डिवाइसेस में क्या आता है? हार्ड डिस्क ड्राइव आपने देखा है होता है, पहले से ही हमारे कंप्यूटर में रहता है इंटरनली. और सीडी और डीवीडी ड्राइव भी जो है वो इंटरनली रहता है, अटैच रहता है हमारे कंप्यूटर से. जबकि रिमूवेबल डिवाइसेस कौन से? जैसे आप पेन ड्राइव लगा रहे हो, ब्लू रे डिस्क यूज कर रहे हो, सीडीज यूज कर रहे हो, डीवीडीज यूज कर रहे हो, तो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियाज हैं ये. तो ये सारे रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं. दो डिवाइसेस होते हैं मेमोरी के जो फिक्स्ड होते हैं कंप्यूटर में, वो होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी और डीवीडी ड्राइव. फिक्स्ड स्टोरेज क्या होता है? मतलब स्टोरेज भी दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड स्टोरेज और एक होता है रिमूवेबल स्टोरेज. तो फिक्स्ड स्टोरेज क्या होता है? फिक्स्ड स्टोरेज इज एन इंटरनल मीडिया डिवाइस दैट इज यूज बाय अ कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर डेटा. तो फिक्स्ड स्टोरेज क्या होता है? इंटरनल मीडिया डिवाइस होता है जो कंप्यूटर यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे हार्ड डिस्क. रिमूवेबल स्टोरेज क्या होते हैं? रिमूवेबल स्टोरेज इज एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी रिमूव्ड और इजेक्टेड फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम व्हाइल सिस्टम इज रनिंग. तो रिमूवेबल स्टोरेज क्या होते हैं? वो स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर से जब सिस्टम रन हो रहा हो. जैसे आपने पेन ड्राइव डाली, आप पेन ड्राइव सिस्टम रन हो रहा है, आप पेन ड्राइव को निकाल सकते हो, ठीक है. सीडी है, आप उसको इजेक्ट कर सकते हो, डीवीडी से उनको इजेक्ट कर सकते हो. तो ये रिमूवेबल स्टोरेज है. और फिक्स्ड स्टोरेज जैसे क्या है? हार्ड डिस्क है, तो वो हार्ड डिस्क को हम टूल किट के बिना उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अटैच्ड होता है हमारे कंप्यूटर में. अब रिमूवेबल स्टोरेज का क्या बेनिफिट होता है? रिमूवेबल स्टोरेज मेक्स इट इजियर फॉर यूजर टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर. किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम से आपको दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हमें रिमूवेबल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम इजीली डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ऑप्टिकल डिस्क, जैसे सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रे डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ये क्या है? रिमूवेबल स्टोरेज है.